हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय टेक में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं इस वीडियो में यहाँ पर कि यहाँ पर 10th और 12th की यहाँ पर किसकी यहाँ पर मार्कशीट अपलोड होगी, किसके मार्क्स यहाँ पर डालने होंगे। यानी आपको ये तो पता है कि BA फर्स्ट ईयर का यहाँ पर डाटा फिल होगा, लेकिन यहाँ पर आपके पास में काफ़ी कन्फ्यूजन यहाँ पर चल रहा है कि अभी यहाँ पर BA का चल रहा है, BSc का चल रहा है या फिर नहीं, या फिर कौन से नॉन कैंडिडेट यहाँ पर फिल होंगे या फिर रेगुलर वाले फिल करने होंगे। तो दोस्तों, इसके बारे में ये वीडियो रहने वाला है। इसके बारे में मैंने पूरा सेपरेट, जैसे कि आपको मैंने बता दिया था, मॉर्निंग में वीडियो डाल दिया था, उसमें बता दिया था कि उसमें किस तरीके से फिल करना होगा, किस तरीके से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा, किस तरीके से आपको वहाँ पर अपने यहाँ पर 10th और 12th का यहाँ पर डाटा फिल करना होगा, साथ ही में मार्कशीट अपलोड करनी होगी। तो गाइस, यहाँ पर सबसे पहले जान लीजिए इस वीडियो में कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अभी यहाँ पर रेगुलर का कहीं ना कहीं भी यहाँ पर कुछ अपडेट नहीं आया, केवल यहाँ पर BA नॉन कैंडिडेट का, यहाँ पर BA फर्स्ट ईयर नॉन कैंडिडेटों का यहाँ पर अपडेट हुआ है। उनका यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर दे दिया गया है, एडमिट कार्ड भी दे दिया गया है, साथ ही में उनको पैनल भी स्टार्ट कर दिया गया है। उनके 10th और 12th के मार्क्स जो डलेंगे उनका वो भी यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। मैंने मॉर्निंग में वीडियो बना दिया डेडिकेट, लेकिन अब बात करते हैं कि रेगुलर वाले को भी यहाँ पर, रेगुलर स्टूडेंटों को भी यहाँ पर क्या फिल करना होगा। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूँ, अभी किसी प्रकार का यहाँ पर अपडेट नहीं है, जैसे अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा जैसे आपको BSc कर रहे हो, BSc फर्स्ट ईयर हो, तो क्या आपको, तो दोस्तों फिलहाल BA फर्स्ट ईयर नॉन कैंडिडेटों यहाँ पर उनके लिए स्टार्ट हुआ है, नॉन कैंडिडेट के लिए, अभी रेगुलर वालों के लिए नहीं हुआ है। साथ में BSc के लिए भी यहाँ पर कहीं ना कहीं स्टार्ट नहीं हुआ है, अगर होगा तो अपडेट करवा दिया जाएगा, अन्यथा आपको किसी ना किसी तरीके से आपका दे दिया जाएगा, उठा लिया जाएगा आपका डाटा रेगुलर वालों का, कॉलेज से ले लिया जाएगा। कॉलेज से भी क्या होता है कि आपका डाटा फील्ड वहाँ पर रहता है कॉलेज में, तो कॉलेज से भी हो सकता है कि ले लिया जाए, कॉलेज से ऑटोमेटिक वहाँ से डाटा ले लिया जाए, आपको यहाँ पर फिल करने का ऑप्शन नहीं दे, क्योंकि नॉन कैंडिडेट का यहाँ पर लिया जा रहा है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर किसी प्रकार का डाटा इनका उपलब्ध नहीं होता है, नॉन कैंडिडेट यहाँ पर कर रहे होते हैं, तो इस वजह से उनका डाटा यहाँ पर फिल करना ज़रूरी है, जिससे उनका रिजल्ट यहाँ पर दिया जाए, रिजल्ट उनका उनके हिसाब से दिया जाए। तो गाइस, अभी फ़िलहाल यही इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पर BA फर्स्ट ईयर नॉन कैंडिडेट यहाँ पर फिल कर सकते हैं, फॉर्म अभी यही फिल कर सकते हैं। अदरवाइज आपके लिए, अदर के लिए, रेगुलर वालों के लिए, BSc वालों के लिए कुछ अपडेट आती है तो मैं आपको तुरंत बता दूंगा, अपडेट आते ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, अन्यथा आप नो टेंशन रहिए, नो फिकर। फिलहाल जो बताया मैंने सब कुछ बता दिया है, जो भी इन्फॉर्मेशन देनी थी वो बता दिया है, क्योंकि फॉर्म फिल करते टाइम पे आपको वहाँ पर कंफ्यूजिंग हो रहा है कि क्या मे बी रेगुलर वाला, रेगुलर स्टूडेंटों को भी यहाँ पर क्या फिल करना होगा, या फिर नॉन कैंडिडेट का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि एडमिट कार्ड भी नॉन कैंडिडेट का आया है, रेगुलर वालों का एडमिट कार्ड नहीं आया है, केवल नॉन कैंडिडेट वालों का ही एडमिट कार्ड आया है, साथ में लिंक भी उनके लिए ही स्टार्ट हुआ है। तो गाइस, यही इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता था, आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, साथ में वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।